चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं पंचमेल दाल, यानी पांच दालों का जो मेल से बनता है। और इसमें मैंने जो दाल ली है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर दालों में पांच तरह की दाल मैंने शामिल किया है। आप अपनी पसंद की भी कोई दाल शामिल कर सकते हैं और किसी को हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अरहर की दाल लिया है, 2 टेबल स्पून चना की दाल लिया है, 2 टेबल स्पून मूंग की दाल है और 1 टेबल स्पून उड़द की दाल है। उड़द की दाल थोड़ा बादी होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है। और ये थोड़ा लेसदार दाल भी होती है। 1 टेबल स्पून ही मैंने मसूर दाल लिया है। दालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इन पांचों दाल को ले लिया है। अब इसे धोकर हमें दाल बनाने की तैयारी करनी है, तो आइए सबसे पहले इसे वॉश कर लेते हैं। दाल को बनाने में बहुत से लोग ओवरनाइट दाल को सोक कर लेते हैं, कुछ 1-2 घंटा पहले उसे सोक करके रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सोक नहीं किया है, बस इसे धोया है और ये दाल बिल्कुल गल जाएगी। तो अब हमने दाल को गलाने के लिए एक कुकर चढ़ाया है और उसमें ये अपनी धुली हुई दाल हमें डाल देना है। मैंने यहाँ पर सोख की हुई दाल नहीं ली है, बस दाल को मैंने लिया है और धोकर इसमें गलने के लिए डाल दिया है। तो अब इसमें पानी डालने की बारी है। इस दाल को गलाने में पानी और दाल का प्रोपोर्शन सही रखना होगा और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस और अंदाजे से ही होता है। इसे हमने गलाने के लिए पहले सोख नहीं किया है, इसलिए दाल में पानी का अंदाज़ा हमें अपने एक्सपीरियंस से लगाना है। तो हमने लगभग दाल के 1 इंच ऊपर तक पानी डाला है और तेज फ्लेम पर इसे बॉयल आने देना है। उसके बाद दाल को पकाने के लिए हमें लगातार धीमी आंच का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ चीज़ें डालने वाले हैं। तो ये एक टमाटर है जिसे मैंने मोटे टुकड़े में चॉप करके डाला है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले इकट्ठा किए हैं जिन्हें आप एक नज़र देख लें। तो सारे मसाले एक साथ निकाल लेने पर कोई मसाला छूटता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर लिया है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक लिया है मैंने और लौंग, इलायची और दालचीनी है यहाँ पर। ये आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये मिर्च हमारे दाल की ब्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें इस दाल में अब हम डाल देते हैं। अब दाल में बॉयल आने वाला है तो हम इसकी ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को धीमा कर देना है। यहाँ पर मैं फ्लेम को धीमा कर दूंगी और 2 सीटी आने तक धीमे आंच पर ही इसे गलने देना है। तो अब आप दाल का कलर देख सकते हैं, बस इसी तरह से दाल को गलाना है। और इसी तरह की दाल सबसे ज्यादा मजेदार होती है, वो ना बिल्कुल गलकर पानी पानी हो जाए और ना बिल्कुल खड़ी खड़ी कड़ी कड़ी रहे। अमूमन दाल के टेक्सचर की वजह से ही दाल पॉपुलर होती है या दाल बच जाती है। अगर इस तरह के टेक्सचर वाली दाल आप रखेंगे तो ये हाथों हाथ उठ जाएगी। और यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप थोड़ा पानी मिलाकर इसे थोड़ा और पतला कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारा इंतज़ाम मैंने तड़के के लिए किया है। तो ये चुटकी भर हींग है, काजू है, 8-10 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने चॉप कर लिया, बारीक कतर लिया है, 1 इंच का टुकड़ा जिसे बारीक कतर लिया है मैंने अदरक का है, कुछ दाने काली मिर्च के हैं, 1 प्याज को मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा सा सजावट के लिए, लाल और पीली कश्मीरी मिर्च है और चॉप धनिया की पत्ती है। तो चलिए अब बघारने का इंतज़ाम करते हैं। एक पैन में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना है।
इतना गर्म कर ले कि ये स्मोकी हो जाए, इसका कड़वापन निकल जाए। दाल सबसे ज़्यादा मज़ेदार घी से बघारा हुआ होता है। अगर आप चाहें तो इसे घी से बघार लें, मक्खन से बघार लें। कुकिंग ऑयल जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो अब इसमें बघारने की चीज़ें डालते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो फ्लेम को हमें धीमा कर देना है, वरना बहुत तेज़ी से ये जलने लगेगा। और सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमें जलाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि इससे खुशबू रिलीज होने लगे। यहाँ पर अब अदरक भी डाल देना है। यहीं पर हम काली मिर्च भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों की खुशबू और जो इनका कुदरती तेल है वो जलना नहीं चाहिए। अब यहीं पर हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग से दाल में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और दाल बेसिकली देर से हजम होने वाला होता है, तो हींग डालने से ये डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। अब यहीं पे हमें प्याज डाल देना है। हमने दाल में पहले ही सारे मसाले और टमाटर डाल दिया है। बहुत से लोग इसी छौंक के वक्त ही टमाटर और मसाला को भी इसमें पका लेते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज और काजू वगैरह में बिल्कुल गोल्डन सा कलर आने लगा है। यहाँ पर बिल्कुल खुली नज़र रखना है अपने छौंक के ऊपर और दाल को रेडी रखें बघारने के लिए। मैंने फ्लेम से पैन को उठा लिया है कि जलकर कहीं बघार का मज़ा किरकिरा ना हो जाए। सारे तड़का वाली चीज़ डाल दें। अब देखिए ये हमारी पंचमेल दाल बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, लाजवाब खुशबू वाली। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग खड़ी खड़ी दाल है। तो इसी दाल के टेक्सचर के लिए मैंने इसे भिगोया नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं दाल को और दाल के टेक्सचर को। ये रोटी के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ मेहमानों के आगे सर्व करें और डेली इसे बनाएं। बस डेली बनाने में थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी को ही कम करना है, बाकी मैंने इसमें सारी हेल्दी चीज़ें ही यूज़ की हैं। आप इसे मरीज़ को, ओल्ड एज पेशेंट को या बहुत छोटे बच्चों को भी दाल चावल खिला सकते हैं। तो बनाएं इसे और अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। बस शर्त ये है कि इस दाल को गर्म ही गर्म सर्व करें। तो देख सकते हैं व्यूअर्स ये कितनी लाजवाब दाल तैयार हुई है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा।